स्वागत है आपका एक और प्री वेडिंग बिहाइंड द सीन्स में। और आज हमें फिर से सातार, क्योंकि देखो ज़्यादातर जो प्री वेडिंग्स है वो हमारी सातताली होती है। आई डोंट नो वीरू भाई अभी कैमरे के पीछे बिहाइंड द सीन्स, कैमरा के पीछे, गोप्रो के पीछे, तो अगर आपको फुटेज में कुछ भी गड़बड़ लगती है उसके रिस्पॉन्सिबल हमारे वीरू भाई होंगे। ये डॉगी ऐसे देख रहा है जैसे डर लग रहा है। मेरे ख्याल से नहा रखा है आज, तो बोला के बगल में मैंने सोचा बैठना उचित रहेगा, क्योंकि बाकी मतलब इसकी आंखें ना थोड़ी सी डरावनी लग रही मुझे इसकी आंखें। अरे क्या बात कर रहे हो, बहुत अच्छा डॉगी है यार। और बाकी अपनी टीम से मिलाते हैं आप लोगों को, तो अच्छा एक एक करके अपने बारे में आप लोग बताएं तो बहुत अच्छा लगेगा। आप खुद ही बताओगे तो ज्यादा। मेरा नाम युगल है और ये मेरा गिम्बल है, कैमरा है, हमारी प्री वेडिंग हो रही है। तो ठीक है, हमारे टीम से आप लोगों को एक बार मिलवा देते हैं। ये हमारे वर्मा जी, वर्मा जी का एक्चुअली खुद का अपना क्या बोलते हैं स्टूडियो है। वर्मा जी एक बार नाम अगर बता देंगे, वर्मा वेडिंग ग्लास। एग्जैक्टली। और बगल में हमारे बैठे हैं चंदन भाई, चंदन कुलियाल जी। और जो ये आज का जो फंक्शन है, फंक्शन कह रहा हूँ, जो बेसिकली प्री वेडिंग है, ये चंदन भाई की है। और चंदन भाई के जो स्टूडियो का नाम है वो चंदन भाई खुद ही बताएंगे तो अच्छा लगेगा। कुलियाल इवेंट फिल्मर ये, तो इस तरीके से देख रहे हो, मतलब आप देख लो हमारे साथ कितने सारे लोग बैठे हैं, प्रोड्यूसर, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, एक्टर, जितने मतलब खुद का काम लेके यार। और हम देखो ये ऐसे, यार मज़ा आता है सही बताऊँ तो ऐसे लोगों के साथ काम करने में। अच्छा सुबह सुबह लोग आने लगे हैं, टूरिस्ट भी आने लगे हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि 7:30-8 बजे लोग आने लग जाएंगे आज इतनी जल्दी। अच्छा एक हम हमारे जो एक मेंबर है उनसे मिलाना आपको भूल गए, हमारे वीरू भाई, वीरेंद्र सिंह बरगली जी हमारे। और वीरू भाई तो कुछ बताइए अपने बारे में, आप क्या क्या करते हैं और अभी क्या करने वाले हैं आज? बस मैं आज तो यहाँ पहली बार आया हूँ 7 साल में। आप 7 साल पहली बार आए हो ना? पहली बार आया हूँ। अच्छा बोला बोला। अच्छा एक चीज़ है, देखो जो मॉर्निंग लाइट है ना उसमें जो शूट है बहुत बढ़िया होता है। तो अभी क्या है कि सीन है, हमारे जो कपल हैं उनकी ड्रेसेस वगैरह चेक कर रहे हैं चंदन भाई लोग, और हम लोग खड़े हैं फिलहाल यहाँ पे जहाँ से बोट्स वगैरह आपको मिलती है, डक वाली जो आप लोग देख रहे हैं, पैडल वाली बोट्स। अच्छा कल के सीन हो ना, कल बहुत बड़ा तूफ़ान आया था, कल 5:45 के अराउंड आप लोगों के यहाँ भी मेरे ख्याल से तूफान आया होगा, आंधी तूफान, ऐसी हवा चल रही थी क्या ही बताया जाए। कल जो आपको ये पूरा दिख रहा है, ये पूरा एरिया, ये इससे कनेक्टेड ये बोट्स हैं, ये जो जिसका हम प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, ये पूरा बह के उधर चले गया था, ये सारा बह के उधर की तरफ, नाशपाती गार्डन की तरफ, उधर जहाँ प्री वेडिंग करते हैं। मतलब कल तो अलग ही सीन था, कुल मिला के हवा ऐसी चल रही थी। और सही बताऊँ तो मैं कल ये भी नहीं पहनी थी, मैं ऐसे ही आ गया था 7 तक, और मेरी नाक है ना उसमें बड़े दर्द जैसा हो रहा है, एक वो नहीं होता जब पानी चल जाता है आपकी नाक वाला दर्द होता है, वो वाला दर्द हो रहा है पता नहीं क्यों। खैर जो भी है, फिलहाल हम चाह रहे हैं कि हम जो बोट है उसका शॉट लें अभी ड्रोन से, एरियल जो शॉट्स हैं वो कवर कर लें, क्योंकि टाइम से, क्योंकि सीन क्या देखो अभी जो लाइट है बड़ी प्यारी पड़ी है, और लेक में जो ये बॉर गिरे हैं ना पेड़ों से कल आंधी तूफान से, तो उसका जो फील आता है ना वो अलग ही आता है। तो देखते हैं क्या सीन रहता है, उम्मीद है जो शॉट्स हैं वो बढ़िया आएंगे, एंड बाकी तो जो भी है इंतज़ार ही कर सकते हैं, लेट्स सी। चलो और अमित भाई हमारे काफ़ी, मतलब आजकल मैंने देखा है अमित भाई को काफ़ी ब्लॉग शूट कर रहे हैं, क्या बात अमित भाई, इस बार क्या हो रहा है आपके साथ इतना टाइम ब्लॉगिंग में इतना टाइम? हमने सोचा कि जो हमारी ऑडियंस है उनको हम कंटिन्यू कुछ ना कुछ देना चाहेंगे कंटेंट अच्छा सा, तो इसीलिए हम आजकल जब कुछ एडवेंचरस हो रहा है तो रिकॉर्ड कर ले रहे हैं ब्लॉग बाद इसी। ओके ताल का एरिया है और यहाँ अमित भाई आपको अक्सर मिलेंगे, अमित भाई का पूरा घर ही यहीं है, तो क्या कहें अमित भाई से, अमित भाई स्टैंड ले लें या यहीं रख दें? स्टैंड रहने दो अभी, क्या करना है हमको? चलो ठीक है, वो लोग ऊपर हैं उनसे मिलते हैं, देखते हैं बात करते हैं कब शूट स्टार्ट होता है। तो वहीं बैठते हैं, मुफ्ती भाई के यहाँ बैठते हैं, क्या करने का? और अमित भाई का क्या बताएं, जितना बताया जाए उतना मुझे कम लगता है, जितना इनके साथ टाइम स्पेंड करो उतना सही लगने लगता है मुझे। तो अमित भाई को ये मजाक लग रही है, अमित भाई को अपनी मतलब तारीफ सुनना थोड़ा अच्छा जैसा नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों, ये रीजन मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है अभी हम यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं, एंड चंदन भाई ने भी हमारे ड्रोन ले लिया, DJI Mavic Air 2। ये देखो आज खुद ही कंट्रोल करूंगा, खुद ही उड़ाऊंगा और खुद ही शॉट ले लूंगा वाला सीन है। देखो ये रहा ड्रोन, आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो ये सामने कैसा लग रहा है फिर ड्रोन उड़ाना? हाँ वीरू भाई को दे दो कंट्रोल एक बार। नहीं मैं तो कंट्रोल ना, वीरू भाई को दो, वीरू भाई को दो, वीरू भाई आप उड़ाओ यार जाओ। अच्छा कल रात जैसा मैंने आपको बताया कि कैसा हो रहा था सीन, तूफान तूफान आंधी तूफान, अब आप लोग देखो कायाक जितनी है सारी की सारी देखो इधर आ गई है, ये देखो इतनी सारी की सारी कायाक जो कि उधर भी बंदी रहती थी उधर भी बंदी रहती थी सारी की सारी ऑलमोस्ट इधर आ चुकी है, देखो जमावड़ा हो चुका है कायाक का पूरा। और अभी पानी में पिरूल पिरूल हो रखा है, जो बौर होते हैं ना पेड़ों में वो भी ऐसे झड़ रखे हैं इधर की तरफ, तो अलग ही सीन हो रखा है। मतलब कल जो उधर वाला सेक्शन था वो तो बह के उधर चल गया था पूरा नाशपाती गार्डन, समझ रहे हो आप?
मतलब अलग ही सीन, कल तूफान पर मज़ा भी आ रहा था वैसे थोड़ा फील करने में नेचर को ना, जो नेचर का रौद्र रूप था जिसे कहते हैं, अमेजिंग भाई मेरे को बढ़िया मजा आ रहा था। हेलो, हाँ रिकी क्या बोलते, मैं बताऊंगा यहाँ से, उनसे बोलना अभी आपको बातें करते रहनी है और बोट बहुत स्लो चलाना, ठीक है? ड्रोन की तरफ नहीं देखना है, ठीक है? ड्रोन की तरफ नहीं देखना है। ऐसा करो कि आप लोग बातें कर रहे हो और एक दूसरे को ना इधर उधर पॉइंट आउट करो चीज़ें और इधर उधर दिखाओ एक दूसरे को चीज़ें, और आपस में बातें हंसते हुए बहुत स्माइलिंग फेसेस आने चाहिए आपके। मैम को उधर की तरफ, हाँ उधर की तरफ। रिकी रिकी दोनों दोनों को पोजीशन चेंज करनी है। सर सर मैम की जगह पे खड़े होंगे, मैम सर की जगह पे, हाँ अपोजिट, और आराम से बोट में, थोड़ा आराम से ऐसे हैंड पकड़ के एक दूसरे की स्माइल फेस पे स्माइल होनी चाहिए आपस में बात करते हुए। वर्मा जी थैंक यू रिकॉर्ड करने के लिए। अच्छा एक मिनट, मैं पहले ड्रोन दूर करता हूँ, आपको हम पोजीशन बताते हैं आपको क्या रखना है। देखिए अभी आप लोग क्या करेंगे, एक दूसरे को देखेंगे, ठीक है, हाथ ऐसे ही पकड़ेंगे आमने सामने, और जब हम यहाँ से बोलेंगे 3 2 1 तो आप लोग एक साथ ऊपर देखेंगे ड्रोन को और देखे रहिएगा, ठीक है? समझ गए आप? 3 2 1 चलिए ऊपर देखिए, फिर से रिकी, फिर से 3 2 1 एक्शन। नहीं, फिर से रिकी, 3 2 1 एक्शन। देखो एक दूसरे को, देखो एक दूसरे को, नहीं ऊपर ऊपर देखो, तो बोले वो शॉट आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया, ऐसी नहीं यार हम लोग फिर से करें वही पोज बना लेंगे और चेहरे पे स्माइल, जब आप चल रहे हो ड्रोन को देखिएगा ऐसी रहेगा, एक वीडियो ले रहे 360 आप लोग ऐसी रहिए, बहुत सही, ठीक है डन बोल ले, हाँ करो दौड़ के आ जाओ, कोई कुछ बता दो कुछ कुछ बातें करने वाला बता दो भाई, ऐसे वर्मा जी जाइए, वर्मा जी लेट्स गो, ये बातें करनी है आपने, आप स्पेक्स उतारना चाहोगे, चश्मा उतारना चाहोगे, अच्छा लग रहा है वैसे, मतलब बहुत सारे शॉट हुए हैं तो उसमें, ठीक है भैया अभी लगाए रहो, हाँ ठीक है। और आज आप लोगों ने मेरे को तो देखा होगा गोप्रो के साथ पानी में, क्या बोलते हैं, भोटू और होप को नहलाते हुए, आज हमारे सामने बुप्पी भाई, ये देखिए जो हमारे मधुवन रेस्टोरेंट के क्या बोलते हैं ओनर हैं हमारे पास बुप्पी भाई, और वो है भोला। देखो एक्चुअली क्या है कि सीन आजकल देखो सूरज ऊपर है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, सही बताऊँ तो धूप ही धूप हो रही है, तो ऐसे में क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है कुत्तों को नहलाना, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहती है सात ताल वालों के पास, तो देखो इतनी बड़ी लेक है पानी में, कहाँ यार क्या करा जाए इसका यूज़, कुत्तों को भी नहलाते हैं हम, जैसे मैं नहलाता हूँ, गोपी भाई डेली नहलाते हैं, ऐसा ही सीन चलता रहता है। अच्छा आप लोगों ने हमें प्री वेडिंग करते बहुत बार देखा होगा, पर अभी हमारे साथ है रिकी जो कि बोट चलाते हैं, तो अभी कैसे की सीन रिकी आपको बताएंगे कि उन्हें कैसा लगता है, एक फीडबैक जब बोट में क्लाइंट को ले जाते हैं बीच लेक में, तो रिकी मतलब क्या कुछ एक्सपीरियंस ऐसा, क्योंकि रिकी ने मेरे ख्याल से 200-300 प्री वेडिंग तो अकेले ही करवा दी होगी, मेरे ख्याल से यहाँ पे जहाँ तक करवा दी होगी, इससे ज़्यादा ही कराई होगी, हाँ इतना कराई दिया, तो फिर कुछ फीडबैक कि कैसा फील होता है जब क्लाइंट जाते हैं बीच लेक में, इस तरीके में हैंडल करना इसको कितना मुश्किल होता है, किस तरीके का मुश्किल होता ही है हैंडल करना, तो बहुत ज़्यादा कि बोट को बिल्कुल स्टेबल रखना है, तो बिल्कुल एक्चुअली कई बार क्या होता है कि हम जब क्या बोलते हैं शॉट लेते हैं तो जो बोट है उसको स्टेबल रखना पड़ता है, यहाँ से हम कमांड देते रहते हैं कि रोक दो, तेज चलाओ, धीरे चलाओ, ऐसा वाला सीन, तो अभी क्या है देखो जैसे बोला गया बोट घुमाओ, तो अभी बोट को घुमाया जाएगा ये, अरे अच्छा चंदन भाई भी हेल्प कर रहे हैं, आस्था हमारे है मेरा काम, ये काम है मेरा, हां घुमाऊंगा मैं आपको कभी शादी के बाद, मेरे भिंडाल में, भिंडाल में आप भिंडाल बड़ा भी है नहीं क्या, हां इसमें ये फोटोग्राफी नहीं होगी, नहीं हो जाएगी, अच्छा होगी, हो जाएगी पैडल वाली ना, ठीक है थोड़ा सा पकड़ लेना हवा भी बहुत चली है, मैं रिफ्लेक्टर दिखाता हूं तुम मार लेना, ये देखो भोला कैसे देख रहा है ऐसे ऐसे क्या देख रहा है भोला, क्या हो गया भोला, ना आ चुका है भोला, गुस्सा हो रहा है क्या, नाराज नाराज है क्या भोला, बता दो जरा, एक काम करते हैं भोला से मिल लेते हैं, भोला कैसे, ये है भोला, भोला एक बहुत ही अच्छा डॉग है, जब कभी आते हैं ना आप कभी, एक्चुअली क्या होता है टूरिस्ट कई बार देखते हैं भोला को तो खुश भी होते हैं, कई लोग डर भी जाते हैं, पर असली बात ये है जो असलियत है, भोला बहुत ही अच्छा है पता है, वो किसी को काटता आटता नहीं है ऐसे, पर जब वो भौंकता है ना तब क्या बोलते हैं लोग डर भी जाते हैं, उसकी जो क्या बोलते हैं भौंकने की आवाज़ है बहुत तेज़ है, सही बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, एक दिन क्या हुआ था कि
अंशुमन को याद होगा, अगर अंशुमन ये ब्लॉग देख रहे हैं, अंशुमन ने क्या करा था, वो हुड का जो कैप होता है ना ऐसे करके हुडी वो डाल के आ गया था। तो भोला जब भोगा अंशु तब से डर गया था, उसे अभी तक छुआ नहीं है अंशु ने भोला को, सही बताऊँ तो आपको। बोला ये देखिए डरा रहा है यार वहाँ कसम, तू तो यार बोला। मैम ये बाल थोड़ा हल्का पीछे कर लीजिए। हाँ ये बाल आगे से, हाँ फेस पर पीछे कर लीजिए, फेस पे आगे ऊपर पूरे पीछे कर लो, थोड़ा और पीछे कर लीजिए। हाँ इनको पूरा पीछे डाल दो, पूरा पीछे कर लीजिए, वाले आगे कर लीजिए, वो आगे कर लीजिए, आगे कर लीजिए। वीरू भाई तुम तो आज पहली बार आए हो ना सात साल? तो सात साल मेरा पहली बार है। कैसा लग रहा है फिर हमारे सात साल में तुम्हें? बहुत ही बढ़िया लग रहा है मुझे तो, इतना बढ़िया कि की पहली बार आए की तो बताओ, आगे सेंटेंस कंप्लीट करो, पहले उधर सेंटेंस कंप्लीट करो। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। आप भोला का भोजन यही है? नहीं अगली बार मैं आऊंगा तो अमित दा से मिलने आऊंगा, मैं ड्रोन सीखने आऊंगा यहाँ पर। आज हम आपको जाने नहीं देंगे। नहीं जाना तो जरूरी है, मैं अभी जाऊँ या मॉर्निंग में जाऊँ, जाना जरूरी है मुझे। हाँ मुझे जाना तो पड़ेगा। ड्रोन सिखाते हैं आपको, ये सपनों में सिखाएंगे, सपनों में आएंगे आपके और ये सपनों में सिखाएंगे आपको ड्रोन कैसे चलाया। ओके मुझे लगा था आप वीरू भाई कुछ कहेंगे तो मैंने कैमरा सीधे उधर ही मोड़ दिया। चलो वीरू भाई शॉट ले लो कुछ तगड़े से। आप भी बहुत अच्छा लगता है अमित दा की ब्लॉग, आप भी देखा करो ब्लॉग तो, मुझे तो काफ़ी अच्छे लगते हैं, आपको जैसे लगते हैं आप बता देना आप लोगों को। तो ये वीरू भाई तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सात साल मैं क्यों आता रहता हूँ डेली, आप लोग आप फील करेंगे जो शांति है यहाँ पे, इतना टूरिस्ट भी नहीं है, बढ़िया यहाँ पर एक सुकून मिलता है आप। हाँ मैं अभी थोड़ी देर पर मिलता हूँ। ठीक है अभी देखो काम का समय है भैया। क्या मतलब ब्लॉग में नहीं आने दोगे उन्हें? नहीं आ रहा है, आपको बढ़िया तरीके से ऐसे जूते उते खोल के पानी में भी जाना पड़ता है अच्छे अच्छे शॉट लेने के लिए। अच्छा तो मयंक भाई से भी कुछ पूछ लेते हैं। मयंक भाई आप तो सात साल आते रहते होंगे मेरे ख्याल से प्री वेडिंग करने, तो कैसा लग रहा है आज? तो मॉर्निंग में बढ़िया टाइम से आए सब, तो कैसा फोटो वगैरह कैसे आ रही है? बिल्कुल बढ़िया आ रही है, बट थोड़ा लेट हो गया, अगर थोड़ा और जल्दी होता तो और अच्छी फोटोज आती। ओके मतलब जल्दी का मतलब 7:30? हाँ टाइमिंग हमारा सही था बट शूट का टाइम हमारा थोड़ा लेट। नमस्कार बिल्कुल। अच्छा जितना एफर्ट फोटोग्राफर करता है उतना ही एफर्ट रिकी भाई लोग भी करते हैं। देखो पानी में उतर के बोट को इधर उधर मनूवर करना जैसे काम हो गए ये सब। अच्छा जो हमारे वर्मा जी है ना ये बहुत बिजी व्यक्ति हैं, इनकी कॉल पे कॉल आने में लगी है। हमारे कपल वहाँ वेट कर रहे हैं, कह रहे हैं इंतजार कर रहे हैं कि यार कब से पोज नहीं बता रहे यार। अरे आपका ये साइड है ना, आप खड़े रिफ्लेक्टर मैं देता हूँ, जाओ फ्लैश दो रिफ्लेक्टर मैं इधर से देता हूँ ना। अच्छा ये क्या कर रहे हो खतरनाक चीज वीरू भाई? ये हमारी छोटी सी हॉकी, क्योंकि फ्लैश आगे तक पहुँच नहीं पा रहा ना। ओहो फोटोग्राफर साहब इज बैक, क्या बात है। चलो फिर कुछ एक्शन तो कर दो खतरनाक साहब। ठीक है अब आपकी बारी है फोटो खींचने की। काम भी कर रहा हूँ। देखो एक घंटा सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है, फोटोज भी दिखानी पड़ती है। ठीक है बिना फोटोज दिखाए कैसे होगा काम भैया, पता भी तो चलना चाहिए अच्छी फोटोज आ रही है। अरे फोटोज दिखाते यार भैया,
वीडियो भी दिखाना होगा। अमिता चाहते हैं कि अमिता का प्रमोशन हो। अच्छा अमिता ये चाहते ज्यादातर प्रमोशन हम तुम्हारा कर रहे हैं स्टूडियो वालों का इतना नहीं। वो तो पता है वो आप करो ना करो वो तो करना पड़ेगा आपको। आपको हायर किया इसीलिए हायर किया कि आप हमारा प्रमोशन करो। हम इसका एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे पूरे 1.5 लाख रुपए। कोई नहीं आप आपके उससे हमें पास व्यूज आए क्लाइंट आए तो मेरे मेरे पीछे को देखा हल्का। मैम ने भी पीछे को देखा। फिर उसके बाद वो ऐसे करेंगे, अब पीछे देखेंगे और चलते रहेंगे। ये देखो हरकतें देख, ये देखो यार ये जो भी था एक शॉट का हिस्सा था। अच्छा ये देखो इधर भी एक प्री वेडिंग चल रही है, एक उधर एक इधर। आप लोग देख रहे हो विंड की स्पीड आज, ये देखो कैसे पत्ते हिल रहे हैं, लहरें चल रही हैं वहाँ पे पानी में। आपको दिखाते हैं, पास से दिखाते हैं। मंदी भाई ले रहे हो ना? रेडी देख रहे हो, एक फोटोग्राफर, दो फोटोग्राफर और तीसरे वीडियो। यस मैम रेडी आइए। आप बाद में आप वो इग्नोर मारेंगे, आप एक बार देखते हुए सीधा रुकना मत, चलिए चलते आओ। और क्या, अरे सिलेक्टेड है तुम खींचो, सिलेक्ट ना हो, बात कर रहे हो। थैंक यू। और हमारे नए क्लाइंट फोटोशूट के लिए ये देखो अभी क्या बोलते हैं, अभी अपनी बारी का इंतजार। भाई आज तुम हमें एक दूसरे से बोर करवा दोगे। मेरे दोस्त बहुत मजाक बना रहा था। टी-शर्ट डाल दी मैंने ना बेल्ट में, इसको एक वाइट लेके बहुत मजा आ उसको वाइट लेके पूरा ऑफवर्ड। भाई आज तुम हमें एक दूसरे से बोर करवा दोगे। हाँ मेरे दोस्त बहुत मजाक बना रहा था। थोड़ा चिल डाउन करना मन साहब। हाँ आप स्माइल करना, स्माइल करवा दे। हवा चली बाल, ये अच्छी फोटो आएगी वैसे, हवा चली ना तो। नहीं आ रही, इनके दो बाल उड़ गए। अच्छा आप लोगों को हमने दिखाया था बर्मा ब्रिज का व्लॉग, और ये देखिए एक्टिविटी अब स्टार्ट भी हो चुकी है इसमें। वो देखिए वहाँ दो लोग अभी भाई लोग गए हैं, अभी जा रहे हैं। वीरू भाई देखो, वीरू भाई को हार्नेस कर दिया गया। तो वीरू भाई प्रायर एक्सपीरियंस कैसा है इसको करने से पहले ही बता दो। पहले तो पहले जब पहले जो लोग गए थे उनको देख के काफी वो लग रहा था कि हाँ आसान है। हाँ। तो बीच में दो लड़के गए थे वो काफी डर गए थे, तो होपलेस हो गए थे, काफी हिल रहे थे। ओके। तो मुझे भी अभी बहुत डर जैसा लग रहा है, तो देखते हैं कैसा होता है। अच्छा आगे अभी मैडम जा रही है, तो सीन क्या है कि हम इंतज़ार करें। एक्चुअली मैडम ने बोला है कि ये जो रोप है हिलानी नहीं है, तो इस रीज़न से वो अभी सिंपल चलते हुए जा रही है। इसके बाद वीरू भाई की बारी है, तो आप देखते रहो ब्लॉग देखते रहो। से भी यही बोल रहा हूँ कि वो हिलाना नहीं है, पहली बार ऐसे करना है। नहीं, तो नहीं, मुझे नहीं। क्या पता हार्ट अटैक आ जाए अभी। भाई को जलाया जाएगा। फुल पावर चलो फुल पावर। वादू भाई गुड, वीरू भाई कोई बात नहीं, आ रहा है मजा तुम्हें। तुम रखो पैर रखो, तुम दोनों नोट्स पे रखो, एक-एक पे रखो दो वीव शेप बना हुआ ना उस पे रखना पे। ये देखो वीरू भाई को अरे देखो मजा आ रहा नहीं आ रहा बताओ
फट के हाथ पर आ रही है अभी तक बजे की बात सुन ली है मतलब आपके ड्रोन के साथ ऐसा करूंगा तो कैसा ड्रोन ही बात है इंसान की बात है इसमें तो आराम से देखो इसके नीचे से आना ठीक है ठीक है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अब तो हम आ जाएंगे चलो आप करके दिखाओ अब कोई डर है किससे डरता हूँ मैं अच्छा अच्छा वो देखो ऊपर कोई जिपलाइन भी कर रहा है अभी देखना है यहाँ से क्या आवाज आएगी आपको और अभी हम आ चुके हैं अपनी शूट की दूसरी लोकेशन पे जो कि है सातताल पार्क वाला एरिया और यहाँ पे हमने ये वाला पेड़ चूज किया है एक्चुअली ये हमारे वीरू भाई अभी ये अभी क्लोज अप से आएंगे है ना वही वही हैंड आपने इधर को देखना है कैमरे पे ठीक है यहाँ से करेंगे वाइट हाँ करो फिर हाँ हाँ आप ऐसे नॉर्मल रहिए फिर वहीं आएंगे तो दूसरे को देखेगा और कुछ सर नहीं सर थैंक यू हाँ रेडी ओके एक बार और कर लेते हैं कुछ भी कर लेते हैं भाई साहब मैं अलग चार्ज करूँगा आपको कोई दिक्कत नहीं है ये भाई साहब कुछ भी कर लेते हैं और एक अब थोड़ा सा क्लोज आना इनसे ड्रोन चलवा लो या लाइट पकड़वा लो सब कर लेते हैं अपने हुपू और बोटो को लेके नहीं आए हैं उनको लाते तो फिर काम मुश्किल था ना नहीं नहीं वो अच्छा रहता अच्छा मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना भूल गया ये हैं पल्लव भाई और ये हैं अर्चना कल एक्चुअली आए थे ये लोग अभी रुके हैं जो अदनान सर का हील फार्म है ना तिरछा गेट की तरफ जो मोड़ से दिखता है ऐसे करके एक आपने ऊपर देखा होगा मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया होगा तो कल होप के लिए भी गिफ्ट लाए थे और मेरे लिए भी एक टी शर्ट लाए थे बहुत अच्छा थोड़ा एडजस्ट आपको करना पड़ेगा हल्का सा हाँ ये भैया लेट गए सब आसन में आ चुका हूँ मैं अरे मम्मी फेस बाई फेस टच होना चाहिए ठीक है अरे अमित भाई का ड्रोन ये अमित भाई ये भाई के घुमरालू बाल इनका ड्रोन बड़ा प्यारा जाता है ओए क्या सीन शॉट आ रहा है देखिए जरा ले जाओ वाओ वो अच्छा नहीं आ रहा लाइट चलेगी अभी तो बस ऐसे ही कर लूँ अच्छा आप लोग जब प्री वेडिंग करते हैं या फोटोग्राफी करते हैं तो आप लोग लाइट का पीछा करते हैं तो हम अभी वही कर रहे हैं एक्चुअली उस वाले सेक्शन में लाइट चली गई है तो अभी इधर की तरफ अगर आप देखें तो सनलाइट बची है जो गोल्डन आवर होता है ना उससे पहले थोड़ा एक हल्का और मूवमेंट होता है वो वाला सीन है अभी सन थोड़ा ऊपर है गर्मियों के हिसाब से एक्चुअली पर ये जो पहाड़ है वो नीचे की तरफ है तो इस तरह देखो लाइट का पीछा करते करते कहाँ कहाँ जाना पड़ा पहले वहाँ रुका है फिर वहाँ अब यहाँ पे रुका रहे हैं ये परफेक्ट है ठीक है अगर आप कह रहे हो तो होगा फिर आइए भैया थोड़ा फास्ट यहाँ पर आइए हमारे सरों का तुमने सिंबल बना दिया है आप भी इधर आइए आप भी जाइए इधर लगा दो उसके नहीं चल मैं हेड में ले गया चलो करो ये गुल में वर्मा जी ने लाइट ढूंढ ली बधाइयाँ अच्छा वीरू भाई के कैमरे का कंट्रोल मेरे हाथ में है फूजी XT4 यह हमें दे दिया गया है अभी मेरी प्रॉपर्टी है न्यू एसेट सीधे कैमरा छीन लिया है शॉट ले रहे हो देख रहे हो कोई इज्जत ही नहीं है और हम चलो गए ड्रोन दे दो अमित भाई हम कह लो ये लो देख रहे हो भाई चलो कोई बस अब तो हो गई अच्छा अभी हम खड़े हैं अपने जो ऊपर वाली मोड़ है ना प्यारी सी जो बैंड है यू टर्न वहाँ पे और ये हमारे वीरू भाई कैसा लग रहा है आपको शॉट दिखाते हैं गोप्रो में आई डोंट नो आ रहा नहीं आ रहा पर ये देखो ये है कलाकारी आर्ट ये हमारे आर्टिस्ट ये कपल में डली है एंड सॉरी मार रहे हो धक्का क्यों मार रहे हो सॉरी 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 यस रेडी चार बजे अल्फा आ जाएंगे सर क्यों एक दूसरे का फेस एक्चुअली जो शॉट हम ट्राई कर रहे थे उसे कहते हैं सिल्वेट शॉट तो ये वाला जो है आप अगर देखें तो इसे हम कहते हैं ये मतलब आप इस पे एलईडी मतलब जो एलईडी लाइटिंग फ्रेम होती है उस पे देखोगे तो काफी ये देखो इधर आओ एग्जैक्टली भाई सब कैसी बातें करते हो तो उम्मीद है जो ये प्री वेडिंग का बिहाइंड द सीन्स वाला व्लॉग था वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा मैंने सोचा जो प्री वेडिंग के बिहाइंड द सीन्स हैं जब मैं कर ही रहा हूँ तो आप लोगों के लिए ये वीडियोज़ लाते रहूँगा ऐसा कुछ सीन है एंड उस दिन शूट शाम को ख़त्म हो गया था
बट उसके बाद होटल में भी चंदन भाई लोगों ने शूट किया एंड आई गेस उसके अगले दिन भी शूट किया। अगले दिन जो शूट किया था वो श्याम खेत टी गार्डन जो है वहाँ पे किया था थोड़ा, तो ऐसा कुछ सीन था। एंड या दिस द थिंग, तो उम्मीद है आप लोगों को जो व्लॉग है अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू सो मच, बाय।